हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन पॉपसिकल्स। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और ये चिकन का बहुत ही ज़बरदस्त सा स्नैक है, तो आप इसे इफ्तार में भी ट्राई कर सकते हैं। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और खाने में भी ये बहुत ही मज़े के लगती है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। चिकन पॉपसिकल्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहला ज़रूरत पड़ेगी चिकन की। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। आप इसके इस तरह से बड़े पीसेस भी ले सकते हैं, क्योंकि इसे हमने बॉयल ही करना है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, इन्हें भी हम बॉयल करेंगे। चिकन को बॉयल करने के लिए हमने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हमने ज़्यादा डाला है, क्योंकि इसका टेस्ट चिकन में बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सब को मिक्स करके इसे बॉईल होने दें। 10-15 मिनट में चिकन बहुत ही अच्छे से बॉईल हो जाएगा। आप इस तरह से इसे निकाल के चेक भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि चिकन आपका बॉईल हो चुका है, तो इस स्टेज पर इसे निकाल लेना है। इसे निकाल के इसका सारा पानी हम यहाँ पे निकाल दिया है, और फिर इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके साथ ही आप इसे क्रश कर सकते हैं, तो आप चाहें तो चॉपर में भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो हाथ से भी अच्छे से, ये देखिए बहुत ही अच्छे से टूट रहा है। तो इस तरह से इसे हाथ से ही सब तोड़ लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो हमने यहाँ पे आधी प्याज यूज़ की है, जिसे हमने बहुत ही बारीक काट लिया था। इसके साथ ही हम शिमला मिर्च भी ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाफ शिमला मिर्च हमने लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड किया 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून हम यहाँ पे ऐड करेंगे चिकन तंदूरी मसाला। आप इसकी जगह गर्म मसाला भी ले सकते हैं, बट इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो बहुत ही कम स्पाइसेस में इसे बनाएंगे और इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसके साथ हमने इसमें ऐड किया है जो हमने आलू उबाले थे, उन्हें मैश करके इसे ऐड कर देंगे। अब इन सब सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। तो हमने यहाँ पे हाफ चीज़ क्यूब लिया है, आप चाहें तो दूसरी भी चीज़ ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पे क्यूब लिया है और इसे ग्रेट कर दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे कॉन्टिनेंटल सॉस। तो हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब सॉस ऐड की है। अब इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। इसके बाद हम यहाँ पे एक घोल रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा लिया है, उसमें नमक और मिर्च ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल रेडी कर लेंगे। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हल्का पतला सा बैटर रेडी करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं इस तरह का इसे बनाना है। ये घोल भी यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम पॉपसिकल का शेप देंगे। तो यहाँ पे हमने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लिया तेल से। अब यहाँ पे हमने आइसक्रीम स्टिक भी ले ली है, और इस तरह से आप इसका शेप दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसमें शेप दे रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें सारी चिकन पॉपसिकल्स रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें इसमें सबसे पहले जो हमने घोल रेडी किया था मैदे का, तो इसे हम इसमें पहले कवर करेंगे अच्छी तरह से। इसको दोनों साइड से बिल्कुल मैदे के घोल में हमें कवर कर लेना है। इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो यहाँ पर इसमें अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स भी लगाना है। और ये तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें गर्मा गर्म तेल में इन्हें डाल, तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम कुक करेंगे। तो बस इसी तरह से इसे फ्राई करना है, और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप लोगों ने इसे ट्राई किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही आसान बनाने में है, खाने में जितने क्रिस्पी हैं, बनाने में भी उतनी आसान है। जब ये एक तरफ से हो जाएंगे, तभी इन्हें हम दूसरी साइड पलटेंगे, उससे पहले इन्हें हम नहीं टर्न करेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक एक करके पलट देंगे। यहाँ पे चिकन पॉप्सिकल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हमारे चिकन पॉप्सिकल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने थे। आप लोग वीडियो देखिए और इसे बनाकर देखिए, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।